2022 मार्वल स्टूडियोज के लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस साल डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज तो आ ही रही हैं, लेकिन कई सारी टीवी सीरीज भी रिलीज हो रही हैं, जो टोटली एक्सपेरिमेंट्स एंड सरप्राइजेस से भरी होंगी। जहां ये फैंस को कितना पसंद आएंगी ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन ये सारे नए प्रोजेक्ट्स इस बात को क्लियर जरूर कर देते हैं कि 2022 के बाद एमसीयू को पहचानना भी मुश्किल होगा। एंड ये बात सिर्फ नए कैरेक्टर्स के इंट्रोड्यूस होने पर ही सीमित नहीं है, बल्कि स्टोरीज में भी काफी डिफरेंस होगा। एंड दैट कुड बी अ लिटिल रिस्की फॉर एमसीयू, क्योंकि इटर्नल्स मूवी में यही हुआ था और वो लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई थी। एंड ये ज्यादातर ऑडियंस का मानना है, तो मुझे टारगेट मत करना। अब बैक टू द टॉपिक, 2022 की नई मूवीज एंड टीवी सीरीज की बात चल रही थी, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे मून नाइट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स मैडनेस एमसीयू को बदल कर रख देंगे। इनमें कौन कौन सी नई टीम्स एंटर होंगी, मल्टीवर्स का असर क्या रहेगा, मून नाइट के एंटर होने से डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर पर क्या इफेक्ट होने वाला है, मतलब टोटल मिलाकर कहीं तो हम आने वाले इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते कितना है। सो वीडियो काफी मजेदार होगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना। पर उससे पहले बात कर लेते हमारे आज के स्पॉन्सर्स की, यानी redwolf.in, एक पॉप कल्चर क्लोथिंग ब्रांड जिस पे आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, चाहे हम बात कर ले हुडीज की, टी शर्ट, जैकेट्स, बॉक्सर्स, नॉर्मल शर्ट्स, एंड देर आर अदर एक्सेसरीज एज वेल, लाइक मग्स हो गए, नोटबुक्स, हेडफोन्स, बैजेस, लैपटॉप स्किन्स, मतलब कुल मिलाकर कहे तो यहाँ बहुत कुछ है। और स्पेशल बात तब आती है जब ये सारे हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स के डिजाइन में मिलते हैं, लाइक आयरन मैन हो गया, स्पाइडी, डेडपूल, थॉर, गोकू, हल्क, बैटमैन एटसेट्रा। अब तुम्हें पता है मैंने कुछ महीने पहले इनके बारे में बताया था, जहाँ सेम आज भी मुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिले हैं जो लिटरली काफी सही है, मतलब खुद देख सकते हो। यहाँ वेरिएंट की जैकेट है, टॉम एंड जेरी की स्वेटशर्ट, पनिशर एंड थॉर की वर्दी हुडी, आयरन मैन आर्क रिएक्टर डिजाइन की फुल स्लीव टी शर्ट एंड कुछ और कूल टी शर्ट्स भी है। जिनकी क्वालिटी एंड फिटिंग की बात करें तो मैं इन्हें ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, तो क्वालिटी की फिक्र तो मत करना। बाकी इनकी वेबसाइट पे लोगों के रिव्यूज भी हैं, तो अगर ये तुम्हें सही लगी हो तो redwolf.in को चेकआउट जरूर करें, और अगर कुछ पसंद आ जाए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाय करके डिस्काउंट अवेल करना मत भूलना, या फिर तुम स्क्रीन पर शो हो रहे कोड को भी यूज कर सकते हो। अब चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आने वाला सबसे पहला प्रोजेक्ट मून नाइट है, जो March 30, 2022 को रिलीज होगा। एंड अच्छी बात यह है कि कोविड और लॉकडाउन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे भी एक टीवी सीरीज और डिज्नी प्लस पर रिलीज होगी, इसलिए तुम आराम से इंतजार कर सकते हो। अब बात करें कि ये नए एमसीयू फैंस के लिए क्या लाने वाली है, तो इसमें हमें ऑस्कर आइजैक लीड रोल में नजर आएंगे, यानी मार्क स्पेक्टर एके मून नाइट। अब जिसे मून नाइट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, उन्हें थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली मार्क स्पेक्टर मार्वल यूनिवर्स में यूएस मरीन्स का एक लाइट सोल्जर होता है, जो बाद में एक मर्सिनरी बन जाता है। उसे काफी सारे मिशंस मिलते हैं जो सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन एक दिन इजिप्ट में ही एक काफी डेंजरस मिशन के दौरान हो जाती है उसकी डेथ। आई मीन अ काइंड ऑफ डेथ, जो लंबे टाइम के लिए नहीं हुई थी, क्योंकि एंशियंट इजिप्ट का मून गॉड खोंसू उसे मौत के आखिरी पलों से भी वापस ले आता है, और फिर वहीं से मून नाइट के खून खराबे और पागलपंती की शुरुआत हुई थी। इसके बाद मार्क मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अफेक्ट होने लगा। वो कभी स्टीव ग्रांट बन जाता है जो एक बिलियनियर था, कभी जेक लॉ के लिए एक कैब ड्राइवर, तो रात के टाइम फिस्ट ऑफ खोंसू यानी मून नाइट। एंड इसी तरह कुल मिलाकर मार्क की 10 पर्सनैलिटी सामने आए, जिनमें तीन मेन थी, यानी स्टीव ग्रांट, जेक लॉकली एंड मून नाइट। हालांकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं था कि ये पर्सनैलिटीज खोंसू की देन है या फिर मार्क ही बचपन से इस बीमारी से ग्रसित था, इसलिए मून नाइट के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा मिस्टीरियस एंड साइकिक माना जाता है, एंड मार्क खुद भी बहुत ज्यादा वायलेंट था। अब एमसीयू चीज थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से दिखाई गई है। एक्चुअली यहाँ ऑन स्क्रीन मेन कैरेक्टर स्टीव ग्रांट दिख रहा है, ना कि मार्क स्पेक्टर। एंड स्टीव यहाँ कोई बिलियनियर भी नहीं है, बल्कि वो एक म्यूजियम में नॉर्मल सा एम्प्लॉय होता है, जिसे अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर की वजह से रियलिटी और ड्रीम्स में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। एंड उसे तो ये बात भी पता नहीं होती कि वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, जो बाद में धीरे धीरे स्टीव को पता चलेगा, और तभी उसे समझ आएगा कि रियलिटी में मेन बंदा तो मार्क स्पेक्टर है, ना कि वो, और उसी की वजह से लोग उसे मारना चाहते हैं। यानी पूरी सीरीज में हमें मून नाइट के एक्शन के साथ साथ मार्क और स्टीव दोनों पर्सनैलिटीज के बहुत सारे सरप्राइजेस भी दिखेंगे, जहां ये दोनों ही सेम पर्सन होने के बावजूद बिल्कुल अलग नजर आएंगे। बाकी थीम के हिसाब से ट्रेलर काफी हद तक कॉमिक से मिलता जुलता था, बट मून नाइट की पावर्स कॉमिक्स के मुकाबले ज्यादा सुपरनेचुरल थी। आई मीन स्टोरीज में उसका सूट इस तरह से फॉर्म नहीं होता है। और अगर हॉरर इंस्पायर्ड कंटेंट की बात करें तो ट्रेलर में मून नाइट एक वेयरवॉल्फ जैसे क्रिएचर को मारते हुए नजर आया है, इसलिए मार्वल का वेयरवॉल्फ बाय नाइट भी सीरीज में शो हो सकता है। एंड इसके अलावा कई र्यूमर्स ये भी कंक्लूड कर रहे हैं कि अर्थर हैरो, एक कल्ट लीडर का रोल प्ले करने वाले एक्टर ईथन हॉक, एक्चुअली ड्रैकुला के रोल में नजर आएंगे। जहां इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो टाइम ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो मून नाइट एमसीयू की अभी तक की सबसे डार्क एंड वायलेंट टीवी सीरीज रहने वाली है। जहां ये बात और भी पक्की इसलिए हो जाती है क्योंकि इसे जेरेमी स्लेटर क्रिएट
डायरेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने डेथ नोट द अम्ब्रेला अकेडमी एंड एक्सॉर्सिस्ट सिंस ऑफ डार्क सीरीज में काम किया है। लेकिन तुम फिर भी जानते हो मार्वल स्टूडियोज अपना PG-13 का तड़का इसमें लगा ही देंगे, इसलिए कॉमिक्स की तरह इस टीवी सीरीज को बिल्कुल ही डार्क एंड वायलेंट एक्सपेक्ट मत करना। अब टीम्स की बात करें तो मून नाइट के एमसीयू में एंटर होते ही मिडनाइट सन्स के दरवाजे खुल जाएंगे, जो मिस्टिकल थ्रेट से लड़ने के लिए बनाई गई सुपर हीरोज की एक टीम थी जिसमें काफी सारे डार्क हीरोज होते हैं, लाइक ब्लेड, डॉक्टर वुडू, घोस्ट राइडर, मॉर्बियस, वेयरवुल्फ बाय नाइट, वोंग, डॉक्टर स्ट्रेंज, मैन थिंग, मून नाइट, आयरन फिस्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कुछ एमसीयू में नेक्स्ट ईयर तक आ भी जाएंगे, लाइक ब्लेड 2022 में आने वाली है। और तुम्हें नहीं पता तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की सिचुएशन बिल्कुल कॉमिक्स के उस टाइम की तरह चल रही है जब डॉक्टर स्ट्रेंज सॉर्सर सुप्रीम नहीं रहता और वो गलती से लोगों की मदद करने के चक्कर में मेफिस्टो को अर्थ पर ले आता है, जिसे हमारे नॉर्मल पावर्स वाले हीरोज टच भी नहीं कर पाते हैं। और तब सामने आते हैं हमारे मिडनाइट सन्स जिन्होंने फिर सबको बचाया था। सो ऐसा कुछ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिखा तो समझ लेना एमसीयू की डार्केस्ट सुपर हीरो टीम जल्दी तैयार हो जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद सिचुएशंस ऐसी हो जाएंगी कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिस्टिकल टीम की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मून नाइट को अब भी जैसे एमसीयू में लाया गया, वरना और कैरेक्टर्स भी थे जिनकी टीवी सीरीज पहले आ सकती थी, लेकिन उन्हें एक्सप्लोर करने के चक्कर में एमसीयू की मिस्टिकल साइड वीक हो जाती। नाउ बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, जो अभी तक तो मई 6, 2022 को ही रिलीज हो रही है। बाकी टाइम और सिचुएशंस बताएंगे कि आगे क्या होगा। इस मूवी के प्लॉट के बारे में चीजें क्लियर नहीं है, लेकिन एक सिनॉप्सिस जरूर अवेलेबल है जो जापान में रिलीज हुआ था। इसके अकॉर्डिंग एंड गेम के इवेंट्स के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन पर रिसर्च करना चालू रखता है, लेकिन स्ट्रेंज का ही एक ओल्ड फ्रेंड जो एनिमी बन चुका है उसके प्लान्स पर पानी फेर देगा और फिर डॉक्टर साहब कुछ अनस्पीकेबल इविल अनलीश कर देंगे, जिसके कारण ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की ये सारी खिचड़ी पकेगी। अभी तक हमारे पास ये छोटा सा सिनॉप्सिस अवेलेबल है जो आगे जाके चेंज भी हो सकता है, बट स्टिल इस डिस्क्रिप्शन को डिकोड करें तो काफी सारी चीजें पता चलती हैं। फर्स्ट पॉइंट, टाइम स्टोन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे फिर भी स्टडी करने की कोशिश कर रहा, मतलब टाइम को एक्सेस करने का कोई और तरीका जरूर होगा जो पक्का फॉरबिडन होगा, और वही यूज ना हो इसीलिए स्ट्रेंज का ही ओल्ड फ्रेंड मोडो सामने आएगा जो उसे रोकने की कोशिश करेगा, एंड इसी बीच कुछ गड़बड़ हो जाएगी जो डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, यानी मल्टीवर्स का ओपन होना जो नो वे होम में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन इस बार चीजें ज्यादा सीरियस होंगी, जिसके साथ ही कई सारे थ्रेट्स मेन टाइमलाइन में आना चालू हो जाएंगे जो डोर्मामू की तरह ही सब कुछ खाने की कोशिश करेंगे। अब वो थ्रेट्स कौन कौन हो सकते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन एक सवाल है, टाइम स्टोन तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था, फिर भी क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज को उसे स्टडी करने की जरूरत पड़ रही है? इसका कोई क्लियर जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सिंपल सी थ्योरी जरूर है जो आगे जाके नो वे होम एंड लोकी सीरीज से जुड़ती है। अब देखो, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को भुलाने वाली एक स्पेल पड़ी थी जो गड़बड़ हो गई थी, और उसी के बाद मल्टीवर्स से कई सारे विलन्स मेन टाइमलाइन में आना चालू हो गए थे जो ये जानते थे कि पीटर स्पाइडरमैन है। ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं होनी चाहिए थी, ये पॉसिबल नहीं थी, चाहे स्पेल गलत जाए या फिर सही। The multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The multiverse is real. This shouldn't even be possible. एंड ऐसा क्यों? क्योंकि लोकी सीरीज से पहले मल्टीवर्स काइंड ऑफ एग्जिस्ट करता ही नहीं था, मतलब एक तरह से करता तो था लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन ही था जिसे एक्सेस किया जा सकता था, लाइक मिरर डायमेंशन, डार्क डायमेंशन, टाओलाओ जो शैंगची में दिखा था एटसेट्रा। एंड बाकी की अल्टरनेट टाइमलाइंस की बात रही तो उन्हें तभी एक्सेस कर सकते थे अगर टीवी अलाउ करे तो, और वो ऐसा करने देते नहीं थे क्योंकि उससे ही हु रिमेंस की एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाती। यानी जिस चीज की बात डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहा था कि स्पेल गलत जाने पर भी मल्टीवर्स से कोई उनके टाइमलाइन में नहीं आना चाहिए था, वो बात सही थी, क्योंकि स्पेल गड़बड़ होते ही जैसे टीवी को ये बात पता चलती वो एमसीयू की नो वे होम वाली टाइमलाइन को ही इरेज कर देते, जिससे मल्टीवर्स अपने अपने हिस्सों में सिक्योर रहता और ही हु रिमेंस भी जब जिंदा नहीं है, यानी मल्टीवर्स के रूल्स बदल चुके हैं, अब बिना किसी रोक टोक के डिफरेंट रियलिटीज को एक्सेस किया जा सकता है। एंड यही बात अननोइंगली डॉक्टर स्ट्रेंज को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो या कोई और भी ये नहीं जानते थे कि ही हु रिमेंस जैसा बींग मल्टीवर्स को कंट्रोल करता था, और अभी उसके मरने से ही ये सब डिफरेंट रियलिटीज का लोचा हो रहा है। तो इसी डाउट को सुलझाने के लिए आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए टाइम स्टोन या फिर उससे रिलेटेड किसी स्पेल की जरूरत पड़ेगी और वही गलत हो जाएगी, जिससे सामने आएंगे बड़े बड़े खतरे, और फिर उन्हीं से निपटने के लिए स्ट्रेंज वांडा मैक्सिमोफ और वोंग की हेल्प मांगेगा, या फिर इससे भी उल्टा हो सकता है, मल्टीवर्स को समझने के लिए स्ट्रेंज वांडा के पास जाएगा और वहीं से गड़बड़ शुरू होगी। बाकी ये तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि मल्टीवर्स में प्रॉब्लम आ चुकी है, ये बात स्ट्रेंज को तभी याद रहेगी ना जब उसे नो वे होम के इवेंट याद रहेंगे, और वो उसे है नहीं क्योंकि उसने पीटर की आइडेंटिटी कम्प्लीटली इरेज करने वाली स्पेल पड़ी थी। यानी मल्टीवर्स से इतने सारे विलन्स आने वाला वो सीन भी स्ट्रेंज को याद नहीं रहना चाहिए था। वेल, ऐसा नहीं है,
एक्चुअली स्पेल लोगों की मेमोरी से पीटर को मिटाने के लिए थी, ना कि स्पाइडरमैन को। इसलिए जहां जहां स्पाइडरमैन से रिलेटेड चीजें थी वो सबको याद रहेंगी, बस पीटर हर जगह से मिट जाएगा। एंड अगर मेरी मानो तो स्ट्रेंज ने खुद को स्पेल के इफेक्ट से एक्सक्लूड कर लिया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आखिरी स्पेल में था क्या ये तो हमें भी नहीं पता। एंड खुद भी सोचो, अगर एक पावरफुल सॉर्सरर अपने ही किए मैजिक को भूल जाए तब तो यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर में भी नो वे होम के डायलॉग्स थे, तो क्या पता वहीं से चीजें शुरू हों। बाकी सारी चीजें कितनी पॉसिबल होंगी ये तो अलग बात है, लेकिन सिनॉप्सिस और अभी तक की मार्वल मूवीज एंड टीवी सीरीज के हिसाब से ये सब पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं, जो थोड़े थोड़े पॉसिबल भी लगते हैं या फिर नहीं भी। अब बात करते हैं कौन एक्चुअली इस मूवी का विलन हो सकता है। इस पॉइंट पर मेरे पास चार नाम हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन एक बात बता दूं, इस मूवी में मल्टीवर्सल मिस्टिकल मॉन्स्टर जरूर दिखेंगे, तो विलन्स के तौर पर उन्हें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। अब पहले नंबर पर हमारा मोस्ट प्रोमिनेंट विलन है मेफिस्टो। हाँ बिल्कुल ये हो सकता है। अब देखो, मेफिस्टो के मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस इसलिए हैं क्योंकि अभी हाल ही में वांडा विजन एंड लोकी टीवी सीरीज से लेकर नो वे होम तक हमें मेफिस्टो के बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं। एंड ये र्यूमर्स भी उड़े थे कि वो नो वे होम, लोकी एंड वांडा विजन इनमें से किसी में दिख सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। यानी नेक्स्ट टारगेट मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही बनेगा, जिसमें चांसेस और हाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ही ह्यूमंस के ना होने की वजह से मल्टीवर्स ओपन हो चुका है। यानी मेफिस्टो को अर्थली डायमेंशन में पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डार्क होल्ड बुक भी मिल चुकी है एंड वांडा स्कारलेट विच की पावर्स भी हासिल कर चुकी है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि मेफिस्टो ही एक्चुअली वांडा को मैनिपुलेट करेगा, और वो भी थ्रू डार्क होल्ड बुक। एंड फिर इस तरह वो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट करेगी, एंड फाइट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। वरना अगाथा हार्कनेस के ये कहने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि वांडा स्कारलेट विच 1 के सोर्सर सुप्रीम से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है। जब कॉमिक्स में ये बैटल हुई भी है, सो हम फैंस एमसी में भी ये देखना पसंद करेंगे, तभी तो इस बात का जवाब मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्कारलेट विच में पावरफुल कौन है। बाकी होगा क्या वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा। नेक्स्ट विलन है नाइटमेयर। तो इसे लिस्ट में रखने का सिर्फ एक ही रीजन है, ये एक्चुअली पहली डॉक्टर स्ट्रेंज का विलन होने वाला था। यानी अगर पहले से मौका नहीं मिला तो इस बार चांस हो सकता है, और क्या पता मेफिस्टो की जगह यही ड्रीम डायमेंशन से सबको कंट्रोल करे, जहां ड्रीम डायमेंशन भी मल्टीवर्स का ही पार्ट है। लेकिन फिर भी मेरे लिए मेफिस्टो डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए एक बेहतर कंटेंडर है, जहां इस बात के रीजन मैंने तुम्हें ऊपर बता दिए हैं। इसीलिए नाइटमेयर के देखने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये पहली मूवी के लिए विलन होने वाला था, तो क्या पता इस बार कंसिडर किया गया हो। नेक्स्ट सीक्रेट विलेन है चेतन, खुद डार्क होल्ड बुक का क्रिएटर। तो अर्थ की पहली डार्क मैजिक बुक को कॉमिक्स में इसी डीमन ने बनाया था, और वहां पर यही वो बीइंग है जो एक्चुअली वांडा को मैनिपुलेट करता है। एंड इवन इसने तो स्कारलेट विच की बॉडी को अपने खुद के लिए एक वेसल की तरह यूज करने की कोशिश भी करी थी, तो हु नोस बिहाइंड द सीन्स यही सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करे। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता तो कॉमिक्स में ये डीमन एक डायमेंशन में कैद रहता है, और वहीं से निकलने के लिए इसने डार्क होल्ड बुक को स्पेशली स्कारलेट विच के लिए बनाया था, ताकि वो इसे यूज करे और उस एनर्जी से फिर चेतन उस डायमेंशन से बाहर आ सके। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि एमसी में चेतन की जगह हमें मेफिस्टो ही दिख जाए। नेक्स्ट है खुद स्कारलेट विच एंड इवल डॉक्टर स्ट्रेंज। अब ये दोनों तो ट्रेलर में भी दिख चुके हैं, जहां इनमें से एक ही विलन होगा, और वो भी सेकेंडरी, प्राइमरी विलन कोई और ही रहने वाला, जिसे टीजर में अभी तक हमने देखा भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड इन दोनों में से किसी एक के विलन होने की पॉसिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि इन दोनों की ही पावर करप्ट करने वाली है, एंड दोनों ने अपने अपने यूनिवर्स में कुछ भले मानुष भले कांड भी किए हैं। या वांडा पूरे वेस्ट व्यू को कंट्रोल कर चुके हैं, एंड वांडा विजन के लास्ट एपिसोड में जब वो डार्क होल्ड बुक पढ़ रही थी तब उसे अपने बच्चों की आवाज मदद मांगते हुए भी सुनाई दी थी, तो क्या पता वो किसी तरीके से उन्हें और विजन को वापस लाना चाहे एंड उसी चीज से सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हों। एंड ये सब वांडा तभी करेगी जब उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू मल्टीवर्स का एक्सेस मिलेगा। बाकी इवल स्ट्रेंज की बात रही तो वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखेगा, वो भी अपने ही प्लान्स लेकर। ये बात मैंने व्हाट इफ के लास्ट एपिसोड में बता दी थी, जहां मुझे ये भी लगता है कि व्हाट इफ की तरह ही ये इस बार भी हीरोज की ही मदद करेगा। बस फिर भी ये बात ध्यान रखना, ये दोनों ही अपनी पावर से करप्ट हो चुके हैं, तो टेम्पररी तौर पर इनमें से एक तो हमें गलत साइड पर दिखेगा ही, बेशक बाद में फिर दोनों ही मेन विलन से क्यों ना लड़े। और अगर कोई प्राइमरी विलन हुआ ही नहीं तो तब तो वांडा ही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में असली थ्रेट होगी। ओके, इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की कास्ट भी लीक हुई थी, बट आई थिंक उसे कवर करना सही नहीं रहेगा क्योंकि वो वेरीफाइड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके दिखने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। पहला तो आयरन मैन का कैरेक्टर है, जो कौन सा एक्टर प्ले करेगा ये हम कह नहीं सकते, लेकिन आयरन मैन होगा जरूर क्योंकि मूवी की हाइप के लिए चीज बहुत अच्छी काम करेगी। एंड मार्वल स्टूडियोज को पता है फैंस ऐसा चाहते भी हैं, एंड ये बोला भी जा रहा है कि आयरन मैन होगा। इसके अलावा लोकी भी इस मूवी में रहेगा, और ये बात काफी टाइम से चली आ रही है क्योंकि मल्टीवर्स में सारी गड़बड़ उसी से शुरू हुई थी, एंड आई थिंक वही स्ट्रेंज को बताएगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। अगाथा हार्कनेस दोबारा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में शो होगी, एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन इस मूवी में नजर आएगा, ऐसा कुछ सेट फोटोज से पता चला है, जहां हमें उनके डबिंग आर्टिस्ट वांडा की वॉइस डब करने वाली आर्टिस्ट के साथ दिखे थे।
एंशिएंट वन के सीन्स भी रहने वाले हैं। विली एंड टॉमी मैक्सिमो वांडा के दोनों बेटे भी इसमें नजर आएंगे, क्योंकि उन्हीं को वापस लाने के लिए वांडा कुछ गलत काम करेगी। इसके अलावा गाइस बहुत सारे नाम लिस्ट में हैं, लेकिन उन्हें इस मूवी में जस्टिफाई करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं बनता है, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज 2 की रूमर्ड कास्ट को हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। और वैसे भी वो कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। अब मैंने तुम्हें मेरी तरफ से जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के लिए वो बता दिया, ये कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले याद है ना, redwolf.in पर काफी सही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो उन्हें चेकआउट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। जाने से पहले एमसीयू की रियल लाइफ लोकेशंस के बारे में जानना हो जिन्हें तुम विजिट भी कर सकते हो तो यहाँ से देख सकते हो, एंड मार्वल यूनिवर्स के डार्केस्ट यूनिवर्सेस के बारे में जानना हो तो यहाँ से देख लेना। नाउ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।